नमस्ते प्रिय छात्र, लानोश एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में पाठ 2 दांत का दर्द का किताबी अभ्यास देख रहे हैं। बच्चों, आगे हमने भाषा ज्ञान के प्रश्न 1 और 2 देख लिए थे, आज हम प्रश्न 3 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न 3, ऊंची आवाज में पढ़ो। बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें सिर्फ ऊंची आवाज में पढ़ना है। झड़, चपड़ा, जग, जग, तेज, मजेदार, अंग्रेज, जमीन। प्रश्न 4, इन शब्दों को पढ़ो और एक एक शब्द स्वयं लिखो। बच्चों, यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं जो कि संयुक्त अक्षर है, हमें क्या करना है, इसी तरह का शब्द दूसरा भी लिखना है जिसमें त आता हो, म आता हो, क्ष आता हो। जैसे त, कुत्ता, पत्ता, म, हिम्मत, सम्मान, श, गुस्सा, रस्सी, च, आश्चर्य, निश्चय, ट, डॉक्टर, ट्रैक्टर, न, नन्ही, कान्हा। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 5 है, एक के अनेक बनाओ। कीड़ा, कीड़े, दवाई, दवाइयाँ, कहानी, कहानियाँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक के अनेक बनाए। जैसे एक शब्द होना तो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि कीड़ा, और बहुत हो तो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कीड़े। दवाई एक वचन, दवाइयाँ बहुवचन, कहानी एक वचन, कहानियाँ बहुवचन। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न 6, सही वर्ण पर बिंदु ऐसा लगाना है, या चंद्र बिंदु, ऐसे बड़ी बिंदी, बिंदु मतलब छोटी बिंदी, चंद्र बिंदु मतलब ये बड़ी बिंदी, लगाकर शब्द लिखो। जगल लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा या चंद्र बिंदु आएगा, तो यहाँ पे जंगल आएगा, जंगल में बिंदु आएगा। दांत, दांत में आएगा चंद्र बिंदु। बंदर, बंदर में आएगा बिंदु। मुंह, मुंह में आएगा चंद्र बिंदु। अंग्रेजी में आएगा बिंदु, कंप्यूटर में भी बिंदु आएगा। हुंकारना, तो हुंकारना में क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। और कांपना, कांपना में आएगा चंद्र बिंदु। बच्चों, अनुस्वर उसे कहते हैं जो कि नाक से बोले जाते हैं, जो शब्द उन पे अनुस्वर लगता है। एवं अनुनासिक उसे कहते हैं जो कि मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, जो व्यंजन उसे अनुनासिक कहते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु लगता है। प्रश्न 7, पाठ से ड के शब्द चुनकर लिखो। अब हमें क्या करना है, ऐसा ड और नीचे डॉट होना, ऐसे शब्द हमें पाठ में से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कीड़े, चिड़िया, दहाड़ा, तड़प, इस तरह से आप मसूड़े, पेड़, ऐसा भी लिख सकते हो जिसमें ड के नीचे डॉट हो। ऐसे शब्द हमको पाठ में से ढूंढकर लिखने थे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। आइए आगे देखते हैं। सोचो और लिखो। बच्चों, यहाँ पे हमें दांतों की देखभाल कैसे करोगे, ये हमें सोचना है और बाद में हमें लिखना है। तो दांतों की सफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है सुबह शाम खाना खाने के बाद ब्रश करेंगे, कच्ची सब्जियाँ, फल और दूध का सेवन करेंगे, कुल्ला करते समय मसूड़े उंगली से साफ करेंगे, चॉकलेट कम खाएंगे और दांत का चेकअप करवाएंगे।
कुछ करने को। नन्ही चिड़ियों ने अपनी चोंच से दांत के कीड़े निकाल दिए। बताओ पक्षी अपनी चोंच से और क्या क्या करते हैं। इन्हीं चार पक्षियों की चोंच के चित्र भी बनाओ या चिपकाओ। हमें बताना है कि पक्षी अपनी चोंच से और क्या क्या करते हैं। पक्षी अपनी चोंच से पानी पीते हैं, दाने चुगते हैं, घोंसले बनाते हैं, अपना शरीर साफ करते हैं एवं अपनी सुरक्षा भी करते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उन बॉक्स में आपको या तो पक्षियों की चोंच के चित्र बनाने हैं पेंसिल से, या तो फिर पक्षियों की चोंच के चित्र, अलग अलग पक्षियों की चोंच के चित्र चिपकाने हैं। मैं इसके साथ पक्षियों की चोंच के चित्र भी आपको दे रही हूँ, तो आप उसमें से जो भी अपनी पसंद की चोंच हो ना, वो पक्षियों की चोंच इधर चिपका दोगे। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ये लिख लेना है। बच्चों यहाँ पे कुछ चोंच के चित्र दिए गए हैं, इनमें से आपको अपनी पसंद की चोंच के चित्र चिपकाने हैं या फिर पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको पार्ट दो दांत का दर्द का किताबी अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको PDF भी भेजूंगी, तो PDF में से देखकर आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लेखन कार्य पूर्ण कर लेना होगा। धन्यवाद।